बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नाश्ता बनाने लगूं और ये आटा है, तकरीबन 150 से 200 ml आटा लिया है। ज़ीरे की ज़रूरत होगी, मैंने ज़ीरा निकाल लिया है थोड़ा सा। इसमें से आधा चाय का चम्मच डालूंगा। ये मैं और कौन सी रोटी चलाती है वो है, ये धनिया है, जनाब टमाटर, एक अंडा है, 3 हरी मिर्चें, एक शिमला मिर्च ली है, इसमें से भी टुकड़ा काटूंगा और इसके टुकड़े करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। प्याज है और जनाब प्याज, प्याज को भी कुतरूंगा बारीक बारीक, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। इन सबको कुतर के तैयार करके फिर आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये रोज़मेरी है, अगर हो तो डालिए, नहीं हो तो कोई मसला नहीं, कोई और चीज़ उसकी जगह पुदीने के पत्ते बारीक बारीक काट के डाल दिए। हमने एक बाउल लिया है, बाउल के अंदर चीज़ें सारी दमने मैंने कुतर दी हैं सब चीज़ें। ये ज़रा थोड़ी सी मोटी है, इसको मज़ीद आप है ना इस तरह करके बारीक कर सकते हैं, समझिए ना आप। ज़रा जितनी बारीक होगी उतना ही अच्छी रोटी बनेगी आप, तो बारीक कर लीजिएगा। मैंने ज़रा जल्दी में, भूख भी लगी है और टाइम भी हो रहा है, इस तरह करके बारीक कर लीजिएगा। तमाम चीज़ें, हरा धनिया, हरी मिर्ची, शिमला मिर्च, तमाम चीज़ें, प्याज, टमाटर, ये तमाम चीज़ें मैं इस बॉल के अंदर डालता हूँ। धनिया, शिमला मिर्ची, प्याज, थोड़ी सी प्याज, जना टमाटर, और हरी मिर्च, तमाम चीज़ें हमने डाल दी। अब बारी है अंडे की, इसी में 2 अंडे कम से कम या 1 अंडा भी चलेगा, 2 अंडे में डालूंगा क्योंकि मैंने 2 पराठे बनाने, पैनकेक के लिए, पराठा के लिए 2। दूसरा भी अंडा ले लिया इसमें, 2 अंडे। अच्छा जना, उम्मीद है दिख रहा होगा, नमक हसबे आदत आपकी जितनी है, मैं हमेशा हाथ पे डाल के नमक डालता हूँ। हाथ तेरी डाल रहा है, नमक डाल दिया, कम ज़्यादा भी चखते हैं, नमक डाल दिया है, काली मिर्च है, काली मिर्च कभी हाथ पे डाल के, काली मिर्च, ये काली मिर्च से बड़ी खुशबू आती है और टेस्ट तो आता ही डेवलप ही होता है। और ये नमक भी मैंने हिमालयन सॉल्ट इस्तेमाल करता हूँ, आपका दिल करे तो हिमालयन, नहीं तो सादा नमक, थोड़ा सा जीरा, जीरा डाल दिया मैं, जब बल्कि अभी से ही डाल दिया, थोड़ी सी मैं कलौंजी डालूँगा, ये ऑप्शनल है, मैं तो क्योंकि खाता हूँ इसलिए डाल दिए कलौंजी, थोड़ी सी कलौंजी डाल। अच्छा जनाब, हर चीज़ होगी, इसमें पड़ेगा आटा और पानी और इसको मिक्स करेंगे। पहले इनको मिक्स कर लेते हैं, ये चीज़ें इनको मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद इसमें पड़ेगा आटा और पानी, नमक सेक लेंगे, वाह सही है, नमक भी सही, अब आटा और पानी होता है। इसमें पड़ेगा पानी या दूध, दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा दूध से इसको बनाऊंगा, दूध डाला है, पानी इस्तेमाल नहीं किया, दूध डाला है। इनके आटा को और पतला करना हो तो पानी डाल सकता हूँ, कोई इसमें मसला नहीं है, ये ऑप्शनल है, दूध ये पानी आपके लिए ऑप्शनल। अच्छा, अब जनाब इसमें हम डालेंगे आटा और उसको मिक्स करते हैं।
जहाँ तक ब्लू रही है पहले सबसे ऊपर, जब वो ऊपर भुरभुरा दे तो उसको फिर मिक्स कीजिए ताकि गांठे ना बने। याद रहे नमक अभी चखेंगे और आटा गूंदने के बाद मिक्स होने के बाद माशाल्लाह तबारक और डलेगा। अभी तक कोई 50-1 ग्राम हमने आटा डाला है, अब तकरीबन 100 ग्राम आटा हो गया। 100 ग्राम आटा हो गया। थोड़ा सा पानी डालूंगा, पहले मैंने दूध का इस्तेमाल किया था और अब पानी का इस्तेमाल करूँगा ताकि इसकी विस्कोसिटी है ये जो है थोड़ा पतला सा हो जाए। अगर आपका दिल करेगा कि इसको थोड़ा और स्पाइसी करना है तो आप चिली फ्लेक्स डाल दीजिए, और टेस्ट लाना है किसी को और चटपटा करना है तो आप मसाला भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा कोई भी फूड मसाला डाल दें जना, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। अब हम नमक चखेंगे और इसको मैं फ्राई पैन पे ले चलता हूँ। अब हम अपने चूल्हे को हम ऑन करते हैं और फ्राई पैन को रखते हैं। मैंने छोटा चूल्हा इस्तेमाल करता हूँ ताकि जल में जले नहीं, कुछ ही मीडियम हीट पे पकाएंगे, थोड़ा सा ऑयल ऊपर से बटर डालूँगा, कुकिंग ऑयल डाला है, पकाने वाला तेल थोड़ा सा डाला है, तेल गर्म होती है मटेरियल ऊपर डालते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम मटेरियल अपना ऊपर से डालेंगे। दो दो बेहतर होंगे, एक भी बन सकती थी मगर बहुत मोटी हो जाएगी इसलिए दो बनाए, और मैंने लिए भी दो ही अंडे थे दो के लिए लिए थे। तो जनाब अब इसको हम एक तरफ से पकने तक इसको इसके साथ कुछ ना करेंगे और इंतजार करेंगे। मैं मटेरियल को खिला रहा हूँ ताकि फैल जाए, माशाल्लाह तबारक है। अब इस जब ये एक तरफ पक जाएगा तो मैं आपको दिखा, एक तरफ पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए होंगे और हम इसको देखते हैं। ओ माशाल्लाह तबारकल्लाह जी, लाली आनी शुरू हो गई है। इसको पलटना बड़े एहतियात से, हमने इसके लिए एक फ्लैट कोई भी प्लेट ली है उसके अंदर हम इसको निकालेंगे, पहले इस तरह करके निकाल दिया, दोबारा फ्राई पैन रख दिया। अब इसको पलटेंगे बड़ी एहतियात के साथ कि तेल के छिटे आपके ना, ओ पलटा नहीं गया, मैं दोबारा पलटूँ, दोबारा रखता हूँ उसी तरकीब से, उसी प्लेट की तरकीब से उसको प्लेट पे निकालता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। जी इस दफ़ा मैंने प्लेट पे उल्टा करके निकाला है ताकि पलटने में आसानी हो, पहली दफ़ा उल्टा नहीं किया था आपके सामने। ज़माने से इसके जो
वेजिटेबल वो पत्ते का माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलर आया और बहुत ही अच्छा बना है, जैसे जो कलर था वैसा बना है। इसको सर्विंग के लिए फिर निकालना है, 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद ये नीचे से तैयार हो जाएगा, उसके बाद सर्विंग निकाली फिर निकालेंगे। और इसके ऊपर आपका दिल करे तो चीज़ डालिए, इसके ऊपर आप है ना केचप डालिए, जो मर्जी है खा सकते हैं। मैं इसके लिए चीज़ वगैरह लेके आता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। मैं खीरी चीज़ के टुकड़े इसके ऊपर डालूँगा और इसको ढक दूंगा तो ये पिघल जाएगी। क्योंकि खाना मैंने तो कल मैंने चीज़ काफ़ी खाई तो आज मैं कम ही खाऊंगा, इसलिए एक ही पीस डाल रहा हूँ, वरना आप चाहें तो 2, 3, 4 डाल सकते हैं। और जनाब इसके ऊपर हम डालेंगे केचप अगर नहीं करेगा तो। हाँ, उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा और पसंद आएगा और माशाल्लाह तबारक अल्लाह अच्छा बना है। आपको सभी प्लेट में निकाल के दिखा दें, ज़बरदस्त है। इसके ऊपर चाहे केचप डालिए चाहे चीज डालिए, ये जनाब बिल्कुल इसका मज़ा आपके पिज़्ज़ा से भी बेहतर होगा इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको पसंद आया, उम्मीद है आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बना के ज़बरदस्त खाइए। शुक्रिया।